नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये है राम मंदिर। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होना है, भव्य आयोजन चल रहे हैं। और 22 तारीख को जब अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तभी देश भर में, गांव गांव में, जगह जगह पर मंदिरों को सजाया जा रहा है। तमाम प्रकार के देवी देवताओं के मंदिरों को सजाया जा रहा है। और एक ये भी मंदिर है जो बिल्कुल खंडर हुआ पड़ा था, यहाँ इसको जो है, मंदिर को साफ सफाई की गई है। मंदिर के गुंबद में आप देख सकते हैं कि एक पेड़ था जिसे काटा गया है, और ढहे हुए मंदिर को ठीक करके इसका शिलान्यास करने का और इसका जीर्णोद्धार करवाने के जो है कवायदे यहाँ पर की जा रही है। ये गांव है पदराड़ा, उदयपुर जिले की गोगुंदा तहसील क्षेत्र में ये पदराड़ा गांव है। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, ये राम मंदिर है, लगभग 1400-1500 साल पुराना। इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे, उससे पहले देखिए क्या कुछ है इसकी दशा। तो ये है राम मंदिर, इसमें स्टेचू नहीं है, राम का मूर्ति था। तो भगवान राम की मूर्ति को कहा यह जा रहा है कि इस मंदिर से ले गए, और वो मूर्ति अभी पाली जिले के नाणा के पास, जो बहड़ा गांव है, बहड़ा के रावड़े में जो गढ़ है वहां का, उसमें वो मूर्ति स्थापित है। और यहां देखिए, राम मंदिर के ठीक सामने ये महिषासुरमर्दिनी का फोटो है, तस्वीर है, ये मंदिर है। और यहीं पर कई साथी है पदराड़ा के। रतन जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, प्रणाम। तो बड़ा सजाया है यहाँ पे बरसों बाद में। सर, प्रभु श्री राम अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके उपलक्ष में हमारे गांव में भी 18 तारीख से हवन यज्ञ वगैरह चालू है, और 22 तारीख को बहुत ही बड़ा हमारा एक प्रोग्राम है। और इस मौके पर आपका पधारना हुआ, सबसे पहले तो लखन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस मौके पे आपको मैं बताना चाहूँ कि ये जो मंदिर है, ये बहुत ही हजारों साल पुराना है। कहते हैं कि लगभग 1500-2000 साल पुराना मंदिर है, और राजा महाराजा और रजवाड़े और रियासतें जब चलती थी, तब ये मंदिर हमारे गांव के मध्य था और बड़ी रियासत थी उस समय। अब कहते हैं कि यहाँ प्रभु श्री राम की जो मूर्ति थी, वो यहाँ नाड़ा बेड़ा पाली जिले में, वहाँ ठाकुर साहब जो थे, उनके कोई सपने में आए और ये मूर्ति वहाँ ले गए। और अभी इस 22 तारीख को हमारे पूरे गांव में सभी की इच्छा है, और विशेषकर हमारे रामलाल जी सोनी साहब है, पूर्व सरपंच साहब, उनकी ये इच्छा है कि इस मंदिर को अपन वापस इस पुण्य 22 तारीख को इसकी हम नींव डालें और पूजा पाठ करके इसकी शुरुआत करें, फिर आगे तो प्रभु श्री राम के हाथ में है। तो यहाँ जो हनुमान जी का जो ये मंदिर है, तो यहाँ पर पूजा पाठ नियमित होता रहता है, होती रहती है। सर, हमारा वंसराजी का एक मंडल बनाया हुआ है, जिसमें युवा है हम सारे, और उनके पूर्व अध्यक्ष भी हमारे मोतीलाल जी हैं, वर्तमान अध्यक्ष जो अभी आपको मिला है गणपत सिंह जी थे, उनके पहले भी अध्यक्ष रहे, सभी के सानिध्य में बहुत ही अच्छा काम हुआ, और सब मिलजुल के करते हैं सब, और दानदाताओं का भी अच्छा सहयोग रहता है। पर इलाके में कहीं पे भी राम मंदिर देखने को नहीं मिला, आपके यहाँ कहा जाता है कि ये राम मंदिर है। और ये काम देखो हमारे युवा टीमों के हाथ से और गांव के भामसों के हाथ से ये हो रहा है, तो हम उसमें बहुत ही सौभाग्यशाली है। जी जी, तो अब ये प्रयास है कि ये जो राम मंदिर है इतना पुराना, इसमें आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि वापस राम मूर्ति स्थापित हो। जी सर, तो आप देख सकते हैं ये भव्य मंदिर है, और बहुत अच्छी नक्काशी यहाँ पर देखने को मिलती है। हर एक स्तंभ के ऊपर आप देखेंगे देवी देवताओं की स्टैचू जो है वो खुदी हुई है, नक्काशी उनकी कर रखी है पत्थर के अंदर ही। और बताया ये जा रहा है कि इसमें ये गर्भगृह हैं, और यहाँ भगवान राम की मूर्ति हुआ करती थी, और वो मूर्ति अभी पाली जिले के बहड़ा में रावड़े के अंदर जो मंदिर है वहाँ पर स्थापित है। अब गांव के लोग, पदराड़ा के लोग, यहाँ पर नई मूर्ति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये मंदिर का गुंबद है, और गुंबद में आप देखेंगे इस तरह का पूरा खुदाई वाला काम कर रखा है। सामने भी तलई है जी, पता नहीं आपको तलई का भी, हमारे ठाकुर जी स्नान करते हैं।
अच्छा गांव की तमाम जो वो जल जुलनी ग्यारस का जो जल जुलनी ग्यारस का जो सर प्रोग्राम होता है उसमें हमारा पूरा गांव गांव के साथ साथ आसपास के बामा साहब यहाँ आते हैं और हमारे ठाकुर जी का यहाँ स्नान होता है जी। काफी बड़ा है ये तो जी। गाँव के सहयोग से बामा साहब के सहयोग से अभी अभी जो मंदिर बनाया है। देखिए डेली राजस्थान का कोशिश रहता है कि इलाके की ऐतिहासिक स्थलों के बारे में आपको बताएं। तो पहले जैसा कि हमने आपको बताया था एक बार समीजा ग्राम पंचायत क्षेत्र में गए थे और वहाँ सबसे ऊंचे पहाड़ पर विराजमान जेलई माता के मंदिर के बारे में बताया था और वहीं पर जो गुफा थी महाराणा प्रताप की तो वो भी हमने आपको दिखाई थी। और यहाँ देखिए इस मंदिर के साथ साथ में कुछ चीज़ें यहाँ के लोग बता रहे हैं। ये देखिए जैसे कि वहाँ पर एक फीट बड़ी ये पौराणिक ईंटें हैं। पौराणिक ईंटें हैं सर मंदिर के खुदाई में, कम खुदाई में मतलब 3-4-5 फीट की खुदाई में ये ईंटें निकली है। ईंटें निकली है बिल्कुल, ये पुरानी ईंटें ऐसी हुआ करती थी और ऐसी ईंटें हमें समीजा ग्राम पंचायत क्षेत्र में वहां पर मिली थी जहां महाराणा प्रताप ने अपनी गुफा बनाई थी और अज्ञातवास काटा था। बिल्कुल वैसी ही ईंटें आप देख पा रहे हैं। आप पुराना वीडियो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी आप पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसमें ऐसी ईंटें देखने को मिल रही है और यही ऐसी ईंटें जो यहाँ खुदाई में मिल रही है। ये जब दीवार बनाई थी पत्थरों की तो यहाँ से जब खोदा गया था तो इस तरह की ये ईंटें निकली है और आसपास में कई ईंटें हैं ये मोती जी जैसे बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज गांव जो है इस मंदिर के इर्द गिर्द ही था पहले पदराड़ा का और धीरे धीरे वो मूव होके उस तरफ चला गया।